सावधान मालेगांव न्यूज। जुमा की नमाज के फौरन बाद मुझे हमारे दोस्त एजाज भाई, इन्होंने फोन किया कि यार इनके जो दोस्त है जफर सेठ, जिनका मल्ला है अपने खड़की रोड के ऊपर और एमएस वाटर पार्क के बिल्कुल बाजू में, एक आदमी उनके जो सितकरी जो रहते हैं, अपना खेती जो करते हैं, तो उन्होंने देखकर उनको कॉल किया और बताया कि यार एक आदमी यहाँ पर सेट के अंदर फांसी लगाकर लटका हुआ है। तो वो घबरा कर जब उसके सेट को फ़ोन किए तो उन्होंने एजाज भाई को कॉल किए, एजाज भाई मुझे कॉल किए कि यार ऐसा ऐसा मामला है, तो एक आदमी यहाँ पर लटका हुआ है। जिस वक्त हम लोग वहाँ पहुँचे तो कोई मौजूद नहीं था वहाँ पर। जाने के बाद फिर हम लोगों ने पौरवाड़ी पुलिस स्टेशन को फ़ोन किया, वहाँ से PSI साहब आए, वहाँ के कांस्टेबल वगैरह सब लोग आने के बाद हम लोगों ने पुलिस के सामने डेड बॉडी नीचे उतारी और उतारने के बाद हम लोग सिविल हॉस्पिटल लेके आए। हम लोगों ने कुछ फ़ोटो वहाँ से वायरल किया था। उस वक्त उनकी जेब से आधार कार्ड वगैरह मिला था हमको, बाद में मिला आधार कार्ड, उससे पहले कोई फ़ोटो वगैरह वायरल किया, तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पर जमा हो गए थे। और आने के बाद उन लोगों में से दो लोगों ने उनको पहचाना कि यार ये अपना सलीम भाई, इनका नाम है, और ये मस्जिद के अंदर कहीं तो भी बांगी थे, शायद अजान वगैरह देने का काम किया करते थे और जमात वगैरह से काफ़ी जुड़े हुए थे। इनका नाम सलीम सांडू मंसूरी है और इनकी उम्र तकरीबन 45 साल से 46 साल के आसपास में है। यहाँ पर जो आधार कार्ड पे बता रहा है वो हम लोग आप लोगों को बता रहे, तो 45 से 46 साल इनकी उम्र है और रहने वाले इनका पता है कैंप में हिम्मत नगर। ये हमारे कैंप के सोशल वर्कर निसार भाई वगैरह उधर से आए, इन लोगों को भी मैं व्हाट्सअप पे डाला था तो इन्होंने भी उधर से मुझे कॉल किया, निसार भाई ने, कि यार ये हमारे वार्ड के रहने वाले हैं और ये ऐसा ऐसा मामला है। फिर इन लोगों ने उनके घर वालों को लेकर आए यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में। अभी उनके जो वालिद साहब है, वो उनके वालिद साहब भी और उनके जो लड़के हैं वो भी, सभी लोग और उनके काफ़ी बड़ी खानदान है, वो लोग सब यहाँ पे आए हैं। अभी पंचनामा वगैरह इनकेस वगैरह करने के तुरंत बाद हम लोग यहाँ से डेड बॉडी उन लोगों को निकाल के देंगे। तदफीन का वक्त वो लोग तय करेंगे, बाकी के उस वार्ड के कैम्प के जो सोशल वर्कर हैं वो लोग आप लोगों को कुछ बताएंगे। कुछ बोलना है आप लोगों को? दो मिनट। जमात के जो जिम्मेदार है सलीम सांडू मंसूरी, इनका एक मसीदी के इंतकाल हुआ है, उस पर हम पूरे मालेगांव और मंसूरी जमात बहुत दुख और अफसोस जताती है और उनके तमाम रिश्तेदारों से अपील करती है कि सब्र कायम रखे। ये हादसा कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसका भी डिटेल नहीं है। अभी मैयत जो है सिविल हॉस्पिटल मालेगांव में लाई गई है, उसका एक छोटा सा पोस्टमार्टम हो रहा है। तमाम जिम्मेदार यहाँ पर खड़े हुए, अभी मैयत का कुछ दफनाने का भी कुछ टाइम वक्त तय किया नहीं गया है, वक्त होने का बताया जाएगा। और जमात जो है इनके साथ खड़ी है। नहीं तो कोई मसरूफियात उनकी, कोई घर में तख्ता, कोई झगड़ा, कोई ऐसा? फिलहाल तभी ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई मालूमात नहीं है। कैंसर की थोड़ी सी बीमारी थी, नहीं इतना बड़ा कदम उठाने की वजह कुछ समझ में आप बीमारी थी, बाकी आप समाज के जिम्मेदार है आप, खानदान कोई बात नहीं, नहीं बहुत अच्छा था जमात के लिए, समाज के लिए, जो इंसान समाज के लिए खड़ा था, तो शायद ही घर में कुछ ऐसा नहीं था, बस एक बीमारी के तहत कुछ हो सकता है। वो खुद मसले मसाइल हल करते थे दूसरों के, ऐसा सोचेंगे कि वो ऐसा कदम उठाए, इन्हें समाजी सियासी उनमें शहूर था और जमात से भी जमात से जुटे हुए थे। आज मालेगांव शहर मंसूरी जमात के ऊपर जो हादसा हुआ है, ये हादसा मैं समझता हूँ दरेगांव इलाके के अंदर हुआ, वहाँ पर कुछ अपने सोशल वर्कर हमारे सत्य के एंटी करप्शन साहब और हमारे मानव समाचार के कुछ जिम्मेदार लोग वहाँ पर पहुँचे और वहाँ जाने के बाद पूरी मालूमात मिली कि भाई कोई मंसूरी बिरादरी के शख्स ने फांसी ली हुई है और उनका इंतकाल हो चुका है। उन्होंने वैसी खबर यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल तक पहुँचाई, पुलिस तक पहुँचाई और हमारे मंसूरी समाज के जो जिम्मेदार हैं, हमारे सदर साहब जो है, इन तक पहुँची सब बातें और पहुँचने के बाद हमने पूरी बिरादरी को उस बात की इत्तला कर रही। लेकिन ये जो शख्स थे यानी सलीम सांडू मंसूरी, ये बहुत अच्छे इंसान थे, एक सोशल काम में आगे रहते थे और कैम मंसूरी जमात के ब्लॉक सदर भी थे और सियासी समाजी सब काम में आगे रहते थे। और दूसरी बात ये है कि ये एक महाकर मस्जिद के जिम्मेदार भी थे।
और दीन से जुटे हुए इंसान थे, लेकिन अब क्या वजह से लिए उन्होंने खुदकुशी किए उसकी वजह हम नहीं बता सकते, और बताना यानी बताकर भी कोई मसले का हल नहीं है। अभी यहाँ पर हम लोग यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल के अंदर आए हुए पीएम होने के बाद हमारे को जैसी मरहूम की लाश मिलेगी और उसका वक्त अभी तय नहीं हुआ, जिस तय होगा उस हिसाब से हम बिरादरी के अंदर खबर कर देंगे।